रमाला क्षेत्र के जय पार्वती ग्लोबल स्कूल रमाला में उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भाजपा पदाधिकारियों से बूथ मजबूत करने पर जोर दिया है और वह क्षेत्र विधायक सहेंद्र सिंह रमाला के आवास पर किसान पंचायत में केंद्र प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के हित में कराए जा रहे कार्यों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने किसान आंदोलन के बारे में बताया कि किसानों को अपने हक की लड़ाई जोर शोर से लड़नी चाहिए, लेकिन तालिबानियों की तरह नहीं। क्षेत्र में पहले गोल टोपी से डर लगता था, अब हरी टोपी से डर लगता है। और कहा कि मैं भी किसान परिवार से हूं, भारतीय किसान यूनियन के आदेशों के अनुसार कई बार जेल भी गया हूं। बात का किसानों की सुननी थी तो लोगों ने अपने विषय रखे हैं, जो जो समस्याएं हैं व्यावहारिक उनकी सबकी चर्चा की है। तो सारी सूचनाएं पार्टी को, जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के नेतृत्व को दे देंगे, प्रयास करेंगे सबका समाधान करें। एक बात आपने कहा कि हरी टोपी से डर लगता है, हरी टोपी कौन है वो, अब ये मुझे जानकारी। दूसरी बात आपने कहा कि जो आपका DNA है उसमें जो तालिबानों खत्म करना पड़ा है, क्या क्या मतलब था उस बयान का? ये बात आपने सुनी क्यों ना जो कही? नहीं, मतलब क्या था उस बयान का? DNA तालिबान सुना ना आपने, जो बोला बोल दिया। नहीं, क्या आशा था राष्ट्रों के DNA में तालिबान? कोई मतलब नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहना। मैंने सार्वजनिक रूप से मैंने जो बोला वो व्यवहारिक।